दम तोड़ रही कटनी की जीवन रेखा, जिम्मेदार खामोश। जी हाँ, मैंने ये शब्द इसलिए कहा है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कटनी की नदी है, जो इसे कटनी नदी के नाम से जाना जाता है, जो अब ये धीरे धीरे नाले में तब्दील होती जा रही है। अभी हाल देखा जाए तो बरसात का मौसम है तो यहाँ पर पानी दिख रहा है, लेकिन जब ये नदी सूख जाती है तब ये नाले में तब्दील हो जाती है। जी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कई नाले ऐसे हैं कि इस नदी में छोड़े जाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे बड़े बड़े जो नाले हैं उसके पाइप दिखाई दे रहे हैं, उससे लगातार पानी यहाँ पे आ रहा है जो कि नालों का पानी है और ये बुरी तरीके से बदबू मारता है। यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि ये नदी कितने साल पहले कैसे थी और अब इसका हाल क्या हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा कटनी नदी का नज़ारा है, मेरे पीछे यहाँ के लोग रहवासी लोग भी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये नदी पहले कैसी थी और अब कैसे है। हमारे साथ है एक मौजूद है भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? इंद्र मिश्रा। अच्छा, ये जो नदी है कटनी नदी के नाम से जानी जाती है, पहले इसका क्या स्वरूप था? ये नदी कटनी वासियों के लिए एक जीवन देने का काम करती थी, जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता कटनी नदी को, लेकिन विगत कुछ वर्षों से मतलब लग ही नहीं रहा कि इस नदी को बचाने की कोई मंशा रखे हुए हैं किसी भी तरीके से। मैं किसी उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक आम नागरिक होने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र में रहवासी हूँ। इसी नदी के कारण कटनी शहर वालों को कभी पानी के पीने की दिक्कत नहीं आई, लेकिन विगत 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो नदी है अपना जो है अस्तित्व खोते जा रही है, ना इसमें किसी तरीके की कोई साफ़ सफाई होती है ना कुछ होता है। अगर हम लोग अगर कुछ करते हैं, कुछ लड़के इकट्ठे होके एकत्रित होके इसकी सफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप आज दिखाइए यहाँ पास, आज हम जहाँ पास खड़े होके बाइट दे रहे हैं वहाँ पास ये कटनी नदी का बीचों बीच का क्षेत्र है, ये पूरी नदी पूरी सूख चुकी है और जिम्मेदारों ने किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर विकास कार्य भी लगातार चल रहे हैं, यहाँ पे कई खंबे और कई गड़ाए गए हैं और कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसके लेकर भी यहाँ पे कटनी नदी का जो स्वरूप है वो बिगड़ा है। ये LNT का काम यहाँ चल रहा है, ये जो अपनी 21 किलोमीटर की फ्लाईओवर जाना है उसका काम चल रहा है, लेकिन उनको ये काम जो नदी का इनने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, LNT ने इस क्षेत्र की नदी को तबाह करके रखा है। LNT ने इनको जैसे ही इनने गड्ढा किया था और ये जो माटी डाली थी इस माटी को तुरंत काम खत्म होने के बाद इनको निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस तरीके से देखा गया है यहाँ पे कई नाले हैं, स्वरूप जो कि तरीके से देखा जाए कुछ नाले का पानी आता है और पूरा शहर का पानी है और कटनी नदी में छोड़ा जाता है, इसके लिए क्या क्षेत्र के लोगों ने कुछ किया अभी तक? नहीं, हम लोगों ने कई बार इस बात के लिए आवाज़ उठाई है कि जो छोटे नाले और बड़े नाले जो भी नाले नदी में मिला दिए जाते हैं जिससे नदी पूर्ण रूप से दूषित होती है, न पीने के लायक रह जाती है और कीटाणु उत्पन्न होते हैं, इनको हमने पहले भी बताया था कि इन नालों को डाइवर्ट करते हुए आगे ले जाके छोड़ा जाए जिससे शहर के जो नदी है ये नदी स्वच्छ रह सके। अच्छा, जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करता है यहाँ के नगर निगम प्रशासन, यहाँ पर अभी तक इस नदियों में जो वाटर का पानी नाली का पानी जो आता है उसके लिए भी कई व्यवस्थाएं की गई, अभी देखा आपने? मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा और मैं नहीं जानता हूँ कि कौन किस तरीके की बात कर रहा है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ के वो रहवासी हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नदी पहले कैसी थी और ये बचपन में यहाँ पर आते थे। आइए हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष कुंडे। अच्छा, जिस तरीके से ये नदी आप देख रहे हैं कटनी नदी के नाम से है, अब ये नाले में तब्दील होती जा रही है, इसका कारण क्या है? मैं आपको बता दूँ, एक समय था जब हम छोटे थे, नदी बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही स्वच्छ पानी यहाँ का था, हमने यहाँ बचपन बिताया, हमने इस नदी में तैरना सीखा है, हमने यहाँ बहुत से अपना जीवन जिया इस नदी में और एक बहुत ही अलग रूप था उस टाइम। मगर अब जो यहाँ आने की भी इच्छा नहीं होती क्योंकि इतना गंदा पानी हो गया इन नालों की वजह से, जिस प्रकार से भाई ने बताया कि नाले यहाँ पे जो जोड़ दिए गए हैं ना बहुत ही गंदा हो गया है, और पहली बात यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता, जितने बार भी आवाज़ उठाई जाती है तो कहीं ना कहीं घुमा दिया जाता है, काम करने के लिए आगे आते नहीं हैं और रहवासी इस तरह कितना काम करेंगे। लोग जो क्या करते हैं ना, अब ये इन्होंने क्या किया, काम चालू किए, यहाँ मिट्टी डली हुई है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई प्रशासन यहाँ आके ध्यान नहीं देता। मगर क्या है ना कि अब ये नदी जो है हमारी कटनी नदी जो है जीवनदायिनी है, ये लोगों को बहुत जीवन दिया इन्होंने, गर्मी के मौसम में जब पानी जब कम हो जाता था, एक समय था ये जीवन नदी ने कभी पानी कम ना होने कारण ऐसा हुआ है कि अब जो परेशानियाँ हो रही हैं पहले नहीं थी, मगर इस प्रकार से इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि शायद बहुत अच्छा इसको बनाना चाहिए, एक सोच, आप कहीं भी चले जाइए किसी भी क्षेत्र में कहीं भी देखेंगे आप नदियों को तो बहुत अच्छा रूप रहता है। आज हमारे यहाँ देखने कुछ भी नहीं है, इतना गंदा पड़ा है, इतना बेकार कर दिया है इस लोगों ने,
बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इससे हम यहाँ का नगर प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, तो यहाँ पे गहरीकरण की बात करता, साफ सफाई की बात करता है, तो आपने देखा कभी यहाँ पे साफ सफाई होते हुए या कैसे भी? अगर देखा जाए तो नगर निगम जहाँ तक मेरे ख्याल से काम तो करता है, मगर अभी जिस तरीके से काम करता है वो तो आप भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि काम सही होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए मैं चाहता हूँ। नगर निगम अगर काम करता है तो थोड़ा और अच्छे से काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहे। आइए मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि कटनी नदी पहले कैसी थी और अब कैसी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? तौसीफ खान नाम है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ नगर निगम जो साफ सफाई व्यवस्थाएं हैं, आपने देखी है यहाँ पे जेसीबी लगा गहरीकरण करते हुए? अभी आपके सब सामने ही है, मेरे को कुछ छुपाने या बताने की जरूरत नहीं है, आप ये सब कुछ देख रहे हैं। ये ऊपर वाले का कर्म या भगवान की कृपा है, जो अभी कुछ दिन पहले पानी गिरा है तो ये पानी तो पूरी कोई सोच अब गंदगी रहती है वो बह के गई है। यहाँ पर कोई ने किसी प्रकार की सफाई नहीं करी है, कोई ने किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं लगाया है, न यहाँ की नगर सेना कुछ कर रही है, न यहाँ की राज्य सरकार कुछ कर रही है, ऐसे यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। आप जरा कैमरों घुमा के दिखाइए, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी के अलावा और बदबू के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप कुछ नहीं पा सकते इस नदी में। जहाँ पहले हम नहाते रहे, जहाँ हम लोग पहले खेलते रहे, कूदते रहे, सब कुछ करते रहे, अपने बचपन यहाँ निकाल दिए, हमारे घर परिवारों ने पुरखों ने इस नदी में आके नहाया, सब कुछ किया, पर आज देखिए यहाँ पर आने का मन नहीं कर रहा है। इतनी बदबू यहाँ खड़े हमको, इतनी बदबू और यहाँ बात करने में हमको मन नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपके सामने सब कुछ, हम कैसे बता दें कि आपको नहीं लग रहा क्या काम हुआ यहाँ पर? आपको कुछ लग रहा है? आप बताइए क्या काम हुआ है? पूरा यहाँ रेता पड़ी है, सब कुछ पड़ी है, काई वगैरह सब कुछ, कुछ सफाई नहीं हो रही है। इस तरीके से देखा जाए नगर निगम प्रशासन कागज़ तो दिखाती है कि यहाँ पे काम हुआ है, तो क्या उस कागज़ के अनुसार काम दिखा आपको? कागज़ बोलना और दिखाने जमीन में फ़र्क है भैया। आप कागज़ दिखा रहे पर काम भी तो करो, कौन सा कागज़ दिखा रहे हो ये भी तो बताओ हमको कि क्या कागज़ दिखा रहे हो आप यहाँ पर? हमें तो कोई कागज़ के यहाँ काम नज़र नहीं आ रहा है। आप बताइए कौन सा कागज़ हमारे काम आया? भैया जरा घुमाइए, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, आप बताइए कागज़ वाले काम हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पे लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं क्योंकि कटनी नदी, क्योंकि उन्होंने बचपन गुजारा और इस तरीके से बर्बाद होती नदी को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और उनसे भी कई चीज़ों से बात की गई है, यहाँ के लोगों से भी बात की गई, वो खासा नाराज़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आलोक वाल्मीकि। अच्छा, जिस तरीके से आप ये नदी देख रहे हैं, बचपन में कैसी थी और अब कैसी होती है? जब हम लोग आते थे बहुत अच्छी नदी थी पहले, ये अब हम लोग निकलते ना यहाँ से बहुत बदबू मारती और काई बहुत जमी थी यहाँ पास। अच्छा, यहाँ पे कभी साफ सफाई होती देखा आपने कि जेसीबी लगी है, बड़ा बड़ा कचरा निकाला जा रहा है, सब कुछ? नहीं, हमने ये सब नहीं देखा अभी आज तक। यहाँ के जो बच्चे भी हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई साफ सफाई नहीं देखी है और कई चीज़ें हैं। आइए हम और भी फिर से लेकर चलते हैं एक उन्हीं व्यक्ति के पास जो यहाँ पर पास में ही नदी के पास रहते हैं। उन्होंने नाली की कई बार आवाज़ उठाई है और कई ऐसे लोगों को देखा है, समाज सेवा देखा कि खुद उन्होंने साफ़ सफाई करी है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर लोगों ने भी आगे बढ़कर भी साफ करने की कोशिश की है यहाँ की? यहाँ पास लोगों ने साफ़ सफाई की है, जो मतलब सभी लोग एकत्रित होकर करते हैं, लेकिन अभी जो कदम इस नदी के लिए उठाए जाने चाहिए थे वो अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। कटनी नदी जीवनदायिनी नदी है और आज अपने अस्तित्व के लिए, आज अपना अस्तित्व खोज रही है ये नदी कि आखिर इस नदी क्या सोने जैसा चमकता था यहाँ का पानी, और यहाँ चारों तरफ रेता पड़ी रहती थी, और लड़के बच्चे हम लोग मतलब छोटे से आ रहे हैं यहाँ पास, और आज ये नदी अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। तो अगर आज इस नदी को अपने अस्तित्व को ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं कटनी शहर के प्रत्येक नागरिक से बोल रहा हूँ कि अगर आज नदी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, आप इसी तरीके से चुप रहोगे तो एक दिन आप भी अपना अस्तित्व ढूंढते हुए नजर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बारिश लगे कम से कम 1.5 महीना हो चुके हैं, पानी लगातार गिर रहा है, लेकिन यहाँ का वाटर लेवल क्या है? आप रोज प्रतिदिन देखते हैं यहाँ पर बढ़ा है क्या वाटर लेवल? नहीं, वाटर लेवल तो शून्य है बिल्कुल, वो तो पानी गिरा था इस चक्कर में जो अभी आपको पानी दिख रहा है। पानी नहीं गिरेगा, 3 दिन बाद आप आगे देखिएगा पूरे जस का तस सूख जाएगा। और इसमें हम लोग एक बार नहीं, हजारों बार जाके इसके लिए कोशिश की है कि ये जो है ठीक हो सके, सुधर सके, लेकिन अभी तक। अच्छा, इस नदी के लिए लाख यहाँ पे धरना प्रदर्शन, ऐसे कई आंदोलन हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, इसका कारण क्या है? जबकि कई बार प्रशासन के पास भी, इस बार नगर निगम भी जाके मतलब किसी पार्टीगत में जाके नागरिक होने के नाते हम लोगों ने कई बार बताया कि इस नदी के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं होता। सौंदर्यीकरण तो दूर की बात है, आज नदी अपने अस्तित्व को खो चुकी है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे खासा आक्रोश है लोगों पर, क्योंकि कटनी नदी जो कि जीवनदायिनी नदी कहलाती थी, वो कटनी के लिए रहवासियों के लिए यहाँ पे जो पीने का पानी है यहीं से लेते थे और यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं होती थी। आप दिखाने चाहूँगा मैं आपको, जो कि बारिश का मौसम है, यहाँ पर वाटर लेवल भी जो कि जीरो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर लेवल तक नहीं बढ़ रहा है। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा, आप देख सकते हैं कि जो वाटर लेवल की जो स्केल लगी हुई है वो स्केल नहीं छू पा रही है, और जो कि पानी लगातार कटनी शहर में गिर रहा है उसके बाद भी वाटर लेवल नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ जो पानी है यहाँ पर वो नालों का पानी है। बरसात होने के कारण ये थोड़ा सा साफ दिख रहा है, नहीं तो ये काला था, दुर्गंध मारता है पानी। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट, IBC 24।